वेलकम बैक स्टूडेंट्स तो अभी तक हमने वेपर प्रेशर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है हमने लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं ये देखा और सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में भी हमने ये सब देख लिया था हमने सीखा कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड के सरफेस पर आकर जम जाते हैं और वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को बाहर नहीं निकलने देते जिससे कि कम वेपर प्रेशर बनता है इस वजह से वेपर प्रेशर लोवर हो जाता है इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और यही है हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो अब इसे रीड करते हैं वी हैव लर्न इन सेक्शन 2.4.3 जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो हमने ये समझ लिया था कि जैसे प्योर वाटर है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर टू दैट जब उसमें सॉल्ट या शुगर या कोई भी और नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिजॉल्व हो और हमने ये भी देखा था कि ये लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये डिपेंड करती है सिर्फ कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे और ना कि उसके आइडेंटिटी यानी नेचर पर नेचर पर यह डिपेंड नहीं करता चाहे सॉल्ट हो या शुगर हो बस कंसनट्रेशन यानी अमाउंट पे यह डिपेंड करेगा कि कितना लोवर होगा वेपर प्रेशर ये सब हम पढ़ चुके हैं बस यहाँ रिवाइज करना है ट्रोल्स ने वेपर प्रेशर निकालने की एक इक्वेशन दी थी जो कि थी पी वन इक्वल टू एक्स वन पी वन नॉट यहाँ पे सिर्फ p1 लिया गया है क्योंकि हम सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं सॉलिड कोई प्रेशर नहीं बनाएगा कोई वेपर नहीं निकालेगा इसलिए बस लिक्विड की वेपर्स कंसीडर की जाएंगी और उसका वेपर प्रेशर होगा p1 जो कि इक्वल होगा x1 p1 नॉट के और अभी हम बात कर रहे हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की इसलिए हम चेंज कंसिडर करेंगे जैसे यहाँ दिया हुआ है डेल्टा पी इसका मतलब है कि कितना लोअर हुआ वेपर प्रेशर पहले हम देखेंगे कि वेपर प्रेशर कितना था जब वो लिक्विड प्योर थी और उसको जब हम सप्रेक्ट कर देंगे उस वेपर प्रेशर से जो अब निकला जब उसमें सॉलिड डिजोल्व है तब हमें लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिल जाएगा कि कितना कम हुआ पहले से अब ये कितना कम वेपर प्रेशर आता है सॉल्यूशन बनने के बाद तो ये हम कैसे निकालेंगे हम सप्रैक्ट कर देंगे P1 वन नॉट में से P1 को दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ़ प्योर कंपोनेंट में से सब्रैक्ट करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन फिर को, P1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे जिसमें P1 वन नॉट कॉमन आ जाएगा और वन माइनस एक्स वन ब्रैकेट में आ जाएगा अब ये आपको पता होना चाहिए कि वन माइनस एक्स वन एक्स टू होता है जब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एक्स टू पी वन नॉट के मतलब कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा x2 पे दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और जब सॉल्यूट कई हों यानी बाइनरी सॉल्यूशन ना हो तब उन सारे सॉल्यूट्स के मोल फ्रैक्शन को ऐड करके जो सम आएगा उस पर डिपेंड करेगा लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे जिससे कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ़ वेपर प्रेशर निकाल सके अभी तक हमने लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देख लिया अब हम देखेंगे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है इस इक्वेशन में से जब पी वन नॉट को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तब हमें कुछ इस तरह देखने को मिलेगा और इस डेल्टा पी वन की जब वैल्यू रख देंगे तब ये फॉर्म आ जाएगा इसे देख कर आप ज़रा भी कन्फ्यूज ना हो ये वही इक्वेशन है बस इसे थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखा है जैसे डेल्टा पी वन लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को सिंबलाइज करता है वैसे ही पी वन नॉट माइनस पी वन डेल्टा पी वन अपॉन पी वन नॉट रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को इंडिकेट करता है और ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल होता है एक्स टू के मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इस पैराग्राफ में यही दिया हुआ है अब जब हम X2 की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे जो कि होती है n2 टू अपॉन एन वन प्लस और डिनोमिनेटर वाला n2 टू जब नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बिल्कुल ना के बराबर होगा मोल फ्रैक्शन में जब हम पूरा लिक्विड का मोल फ्रैक्शन देखेंगे और सॉल्यूट का देखेंगे तब हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी और ये इक्वेशन को और थोड़ा सा अल्टर करेंगे एन टू और एन वन की वैल्यू पुट करेंगे एन टू मोल्स होते हैं नंबर ऑफ मोल्स और मोल्स इक्वल होते हैं मास अपॉन मोलर मास के तो यहाँ पर हमने एन टू और एन वन दोनों की ही वैल्यूज रखी हुई है और फाइनल इक्वेशन हमें ये मिलेगा इस इक्वेशन का इम्पॉर्टेंस ये है कि इससे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें बाकी की दूसरी सभी क्वांटिटीज पता हों अगर लिक्विड के मोल्स पता है या फिर मास अपॉन मोलर मास पता है और सॉल्यूट का मास पता है तो हम मोलर मास निकाल सकते हैं किसी भी अनआइडेंटिफाइड सॉल्यूट का मोलर मास हम इस टाइप से निकाल सकते हैं बस हमें वेपर प्रेशर पता होना चाहिए लिक्विड का प्योर फॉर्म में और बनने के बाद और मास पता होना चाहिए सॉल्यूट का और मास और मोलर मास पता होना चाहिए लिक्विड का इन सब क्वांटिटीज की मदद से हम किसी भी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं आप सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल जिससे आपको और ये सब क्लियर हो जाएगा द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टिन टेम्परेचर इज़ जीरो पॉइंट एट फाइव जीरो बार ए नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड विंग जीरो पॉइंट फाइव ग्राम वन एडेड टू थर्टी नाइन पॉइंट जीरो ग्राम ऑफ बेंजीन मोलर मास पर मोल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज़ 0.845 बार व्हाट इज मोलर मास ऑफ सब्सटेंस? यहाँ हमें पता है प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर सोल्यूट का मास सॉल्वेंट का मास और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास तो हमें उस इक्वेशन में रखी जाने वाली सभी क्वांटिटीज नोन है एक्सेप्ट फॉर द मोलर मास ऑफ सॉलिड और वो ही यहाँ पूछा गया है वही फाइंड करना है

कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है और ये बहुत ओवियस है कि टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड्स टूटेंगी और ज़्यादा वेपर्स बनेंगी एंड सेकेंड थिंग कि कोई भी सोल्यूशन बॉयल तब करता है जब उसका वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता point है पॉइंट की डेफिनेशन ही वही है वो पॉइंट जिस पर वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का या जो भी सब्सटेंस है उसका वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है उस पॉइंट को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जाम्पल वाटर एट यानी हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉइल हो जाती है क्योंकि इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर वाटर का वन पॉइंट जीरो वन थ्री बार हो जाता है जो कि एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है टू सम बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर वेपर प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं किसी भी सॉल्यूशन के उस पॉइंट पर वो सॉल्यूशन बॉईल करने लगता है जिस पर वेपर प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं अब हम समझते हैं कि इस बात का एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट से क्या रिलेशन है तो देखिए हमने पढ़ा कि वेपर प्रेशर एक सॉल्वेंट का जब उसमें कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व हो तब डिक्रीज हो जाता है ध्यान से समझिए कि हमारे पास कोई प्योर लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है वाटर ही ले, ले लेते हैं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस तब है जब वाटर प्योर है लेकिन जब इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूट के ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है और अब जब वेपर प्रेशर कम है तो इसे बॉयलिंग पॉइंट पर उस बॉइलिंग पॉइंट पे जो कि पहले था उस पर हम इसे बॉयल नहीं कर सकते क्योंकि वेपर प्रेशर कम है और ज़्यादा वेपर प्रेशर लगेगा इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने में मतलब कि और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तब जाके ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आएगा टेम्परेचर बढ़ाना मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा उस बॉइलिंग पॉइंट से जो कि प्योर लिक्विड का था समझ ना आ रहा हो तो टेंशन ना लीजिए क्योंकि धीरे धीरे ही ये समझ आएगा बार बार सुनने से तो पहले हम ये एग्जाम्पल देखते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ सुक्रोस इज लेस देन वन बार एट सेवन 373.15 केल्विन। तो एक सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोस का वेपर प्रेशर कम आ रहा है 1.013 बार से जो कि इसका होता अगर ये प्योर सॉल्वेंट होता सिर्फ अगर वाटर होता तब इसका वेपर प्रेशर 1.013 बार होता लेकिन ये कम आ रहा है इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करना होगा इसे बॉयल करने के लिए ये इसलिए क्योंकि सॉल्यूट के ऐड होने के बाद सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर कम हो गया वेपर प्रेशर कम होने की वजह से ये एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने में और ज़्यादा टेम्परेचर लेगा इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा जैसे कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था ये नीचे वाली लाइन जो इंडिकेट कर रही है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इस टेम्परेचर पर कम था लेकिन इस दूसरे टेम्परेचर पर डेल्टा टी भी जब डिफरेंस आ गया ये बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन पर इस पॉइंट पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया एटमोस्फेरिक प्रेशर के इससे हमें यह समझ आया कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था और इस वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ गया इस वेपर प्रेशर को एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा और बॉयलिंग पॉइंट बढ़ गया और इसी को ये बढ़ने को बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ना कि नेचर पर बस इसमें अमाउंट पता होना चाहिए अमाउंट पर डिपेंड करता है कि कितना एलिवेट होगा टेम्परेचर ना कि नेचर पर जैसे कि इस एग्जाम्पल में एक सॉल्यूशन जो कि वन मोल ऑफ सुक्रोस इन वन ग्राम एक किलोग्राम पानी में जब एक मोल सुक्रोज डाल देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 373.53, जबकि जब वाटर अकेला था प्योर फॉर्म में था तब बॉइलिंग पॉइंट था 373.15 केल्विन तो ये इलेवेट हो गया सॉल्यूशन बनने के बाद इन दोनों टेम्परेचर्स में जो डिफरेंस है उसे कहेंगे एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेशन करने से पहले हम एक बार और समझते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर ना कि उस सॉल्यूट के नेचर पर यह बताती है कि एक प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जब वो सॉल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्योंकि प्योर सॉल्वेंट अपनी वेपर प्रेशर बनाएगा वो वेपर प्रेशर जितना भी हीट लेके एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर होंगी उसके कंपैरिजन में सॉल्यूशन जब वेपर प्रेशर बनाएगा वो ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हीट लेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने में क्योंकि ये वेपर प्रेशर कम आएगा क्योंकि वेपर प्रेशर कम है तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने में ज़्यादा टेम्परेचर लेगा इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और जितना ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा उसे कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये सब का रीज़न क्या है रीज़न ये है कि वेपर प्रेशर कम बन रहा है सॉल्यूशन में जबकि प्योर सॉल्वेंट में ज़्यादा वेपर प्रेशर बन रहा था लेकिन सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर कम बन रहा है वेपर प्रेशर कम बन रहा है तो इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा सेकेंड थिंग वेपर प्रेशर क्यों कम बन रहा है वो इसलिए क्योंकि सॉल्यूट डिस होने के बाद सॉल्यूट के पार्टिकल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को बाहर नहीं निकलने देते वो सरफेस पर जम जाते हैं इसलिए वेपर प्रेशर कम बनता है और वेपर प्रेशर कम बनने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है अब हम बढ़ते हैं कैलकुलेशंस की तरफ तो एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सल्यूशन ये हमने पहले भी देखा कि सोल्यूट के अमाउंट पर ही ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं और वही अमाउंट को अब हम दूसरी टर्म्स में लेंगे जो कि यहाँ है कंसनट्रेशन तो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगी एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट और एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि ये कौन सा कंसनट्रेशन ये मोलल कंसनट्रेशन पर डिपेंड करेगी मोलैरिटी और मोलैलिटी अलग चीज़ें होती हैं तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये मोलल कंसनट्रेशन यानी मोलैरिटी पर डिपेंड करेगी और इसकी इक्वेशन होगी डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टीबी टू के बी इन टू एम इसका कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का आएगा और एम है मोलैलिटी जो कि होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन वन के जी ऑफ सॉल्वेंट ये जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट एबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इसकी यूनिट होती है केल्विन के जी पर मोल और इसकी वैल्यूज हमें क्वेश्चंस में ज्यादातर मिलती ही हैं। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा और रिजोल्व करते हैं इसमें मोलैलिटी की वैल्यू रखते हैं जिसके बाद कुछ ऐसी इक्वेशन दिखेगी और फिर इस इक्वेशन को एल्टर करके हम m2 की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमने पिछली क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी में भी किया था कि हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है मेन इंपॉर्टेंस इन प्रॉपर्टीज का यही है कि हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो इसी इक्वेशन को एल्टर करके हमने m2 के फॉर्म में लिखा है और हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी m2 को फाइंड करने के लिए इन्हें आपको रटने की जरूरत नहीं है बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि एक सिंपल सी इक्वेशन से हम कैसे वैल्यूज रख रख कर ये सी एक इक्वेशन बना लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स सी इक्वेशन में हम जब डेल्टा टीबी की वैल्यू रखेंगे जो कि हमें फाइंड करना बहुत ईजिली आता है तो हम एम टू यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं जैसे कि इस क्वेश्चन में किया गया है इसमें हमें सारी वो क्वांटिटीज दी हुई हैं जिससे कि हम

कि वो एलिवेशन था और फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ये आएगा जब ऐड करेंगे इसे उस बॉइलिंग पॉइंट से जो कि अकेले सॉल्वेंट का था एग्ज़ाम्पल नंबर 2.8 में सारी क्वांटिटीज दी हुई हैं जिससे कि हम सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकें बस हमें इसमें एक चीज़ याद रखनी है वो ये है कि इस फार्मूले में डेल्टा टी की वैल्यू रखी जाती है मतलब एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट रखा जाता है जबकि यहाँ पे हमें बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का दिया हुआ है और सॉल्वेंट का दिया हुआ है जब हम इन दोनों को सब्रेक्ट करेंगे तब हमें एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा उस एलिवेशन को इस फॉर्मूले में रख कर हम सोल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड बहुत ईजी क्वेश्चन थे ऐसे आप खुद कर सकते हैं अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये भी सेम ही है सेम कॉन्सेप्ट लगेगा सबसे पहले ये समझिए कि एक सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उस सॉलिड सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए जो कि उसमें डिजोल्व है फिर से सुनिए एक प्योर सॉलिड सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाता है उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से जो कि उस सॉलिड सॉल्यूट को किसी लिक्विड में डिजोल्व करने के बाद बनाया है तब उस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं उस सॉल्यूशन का तो फाइनली हमें ये वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का इक्वल करना है उस सॉलिड सॉल्यूट के वेपर प्रेशर से जब वो अकेला था जब वो प्योर फॉर्म में था तब उसका जितना वेपर प्रेशर था उसको हमें इक्वल करना है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से और क्योंकि एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉल्यूट के डलने से तो ये वेपर प्रेशर बहुत जल्द ही इक्वल हो जाएगा उस प्योर सॉलिड सॉल्यूट के वेपर प्रेशर से क्योंकि प्योर सॉलिड सॉल्यूट का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कम आया है सॉल्यूट के डिसॉल्व होने की वजह से इसलिए इस वेपर प्रेशर को उस वेपर प्रेशर के बराबर होने में बहुत कम टाइम लगेगा इस वजह से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा इस पैराग्राफ में यही सब कुछ बताया हुआ है बाकी इसमें एक और डेफिनेशन है, की, की है, है और इसी से पॉइंट एक सब्सटेंस का होता है वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेस इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज यही मैंने अभी आपको समझाया कि एक सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वो माना जाएगा एक सॉल्यूशन तब फ्रीज़ होगा जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो उस वेपर प्रेशर के जो कि प्योर सॉलिड सॉल्वेंट का था जैसे कि इस ग्राफ में बताया हुआ है कि किस तरह से लिक्विड सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा था ये इस टेम्परेचर पर जाकर फ्रीज़ हो जा रहा था लेकिन सॉल्यूशन जिसमें कि सॉलिड सॉल्यूट भी रिजोल्व है ये दूसरे टेम्परेचर पर और कम टेम्परेचर पर जाकर फ्रीज हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीमेंट हुआ है मतलब डिप्रेस हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट पहले ज़्यादा था और अब कम हो गया क्योंकि वेपर प्रेशर यहाँ कम बन रहा है तो फ्रीज़ ईजीली हो जाएगा और उस सॉलिड सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के इक्वल ईजीली बहुत जल्दी से आ जाए क्योंकि पहले से वेपर प्रेशर कम है और हमें कम ही करना था इस वजह से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा और कम हो जाएगा जो पहले होना था उससे भी कम हो जाएगा इसकी भी कैल्कुलेशन देखते हैं अगर टी एफ नॉट हम फ्रीजिंग पॉइंट माने प्योर सॉल्वेंट का और टी एफ माने फ्रीजिंग पॉइंट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के डिजोल्व होने के बाद मतलब कि सॉल्यूशन बनने के बाद तो डेल्टा टी एफ नॉट इक्वल होगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ के और इसे ही कहेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और जैसे कि हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाला था एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए याद रखिए ये सारी बातें आइडियल सॉल्यूशन के लिए हो रही हैं उसी तरह यहाँ पे डेल्टा टी एफ निकालेंगे ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलल कंसंट्रेशन के बस यहाँ पर डिफरेंस आएगा कांस्टेंट में ये कांस्टेंट होगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ या फिर इसे कहें मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसकी यूनिट भी कैल्विन के जी पर मोल ही होती है अब अगेन हम वही सब करेंगे मोलैलिटी की वैल्यूज पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट इन के जी और फिर मोल्स को सिंप्लीफाई करेंगे मास अपॉन मोलर मास करके तो कुछ इस तरह का इक्वेशन आता है मोलल कंसेंट्रेशन को निकालने के लिए इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे डेल्टा टी एफ वाली इक्वेशन में तब ये इक्वेशन बन जाएगी जो कि लगभग सिमिलर है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से और इसमें भी जब हम एम टू के टर्म्स में लिखेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी अगेन हम इससे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं जब हमें डेल्टा टी एफ जो कि हम फाइंड करना आता ही है के एफ जिसकी वैल्यू हमें दी होगी और वेट हमें दिए ही होंगे तो इससे हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं और यहाँ पर हमें और के एफ और के बी के फॉर्मूले भी दिए हुए हैं कि के एफ और के बी कैसे निकालते हैं वैसे ये इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आपको याद होनी चाहिए इनका कोई डेरिवेशन नहीं दिया तो ये आपको एज इट इज याद होनी चाहिए यहाँ पर

ये मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दोनों की वैल्यूज दी हुई है एक बार इन्हें देख लें आप बाकी ये हमेशा क्वेश्चन में दी हुई रहती है अब देखते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन ये दोनों ही निकालने हैं और इसमें दिया हुआ है वेट और मोलर मास हम फाइंड कर ही सकते हैं फॉर्मूला से और 600 ग्राम ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है जिससे कि हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं सबसे पहली बात हमें मोलैलिटी ही फाइंड करनी रहेगी इन सब में क्योंकि डेल्टा टी एफ निकाल मतलब डिप्रेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले मोलैलिटी की जरूरत होती है मोलैलिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ एथाइल ग्लाइकोल अपॉन मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है और आपको बहुत जल्दी से मोल्स निकालना आना चाहिए जो कि मास अपॉन मोलर मास करके इजीली आ जाता है मास हमें दिया हुआ है मोलर मास हम फार्मूला से निकाल सकते हैं और मास ऑफ वाटर दिया हुआ है तो इन इस सब को मोलैलिटी वाले फॉर्मूले में रखकर हम मोलैलिटी निकाल लेंगे और मोलैलिटी पता होने के बाद हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं यहाँ पे 2.2 पॉइंट कैलविन डिप्रेशन आया ना कि फाइनल टेम्परेचर फाइनल बॉइलिंग फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है ये ये है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और हमें पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट टू सेवेंटी होता है इसमें से जब हम 2.2 को माइनस कर देंगे 2.2 पॉइंट तब हमें फाइनल आंसर मिलेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्योंकि 2.2 पॉइंट डिक्रीज हो गया है तो ये डिप्रेशन को जब हम माइनस कर देंगे सप्रेक्ट कर देंगे तब हमें फाइनल पॉइंट मिलेगा जिस पर सॉल्यूशन फ्रीज हो जाएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट है फॉर्मूला बेस्ड है इस पर हमें मोलर मास निकालना है जिसका फॉर्मूला हमने देखा हुआ है डायरेक्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ हमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ही दिया हुआ है ना कि फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट इसीलिए हम डिप्रेशन को डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख कर बहुत इजीली कैलकुलेट करके सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का इंपॉर्टेंस ही यही है कि हम सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं तो फाइनल हमने जो भी फॉर्मूला बनाया उसको एल्टर करके M2 के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं और इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर बस वो लास्ट वीडियो होगी इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा थैंक यू